आज हम बात करेंगे क्या डायबिटीज एक पारिवारिक बीमारी है। डायबिटीज अपने में एक कई जटिल समस्याओं का समूह है। ये मेनली दो तरह की होती है, टाइप 1 या टाइप 2। दोनों ही तरह की डायबिटीज जेनेटिक्स या पर्यावरण के फैक्टर्स की वजह से उत्पन्न होती है। ये कहना खाली कि सिर्फ जेनेटिक कॉजेस से दूसरी जनरेशन में या बच्चों में आती है, ये गलत होगा, क्योंकि इसमें पर्यावरण का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे टाइप 1 है वो ऑटोइम्यून बीमारी है, यानी कि इसमें की जो शरीर के ऑटोइम्यून सिस्टम होता है वो ही हेल्दी सेल्स के खिलाफ हो जाता है, उन्हीं को मारने लगता है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। और डायबिटीज होती है जिसमें की हाइपरग्लाइसीमिया, बढ़ी हुई शुगर होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जिनको टाइप 1 है वो उनके बच्चों में भी टाइप 1 सबको आए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि जिनको ट्विंस होते हैं, दो बच्चे, जुड़वा बच्चे होते हैं, उसमें एक को अगर डायबिटीज है जरूरी नहीं कि दूसरे को भी हो। आज हम बात करेंगे कि परिवार की क्या भूमिका होती है डायबिटीज या शुगर के पेशेंट के इलाज में। शुगर के पेशेंट जो मोटे होते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, उनमें मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हम चेंज कर सकते हैं और जिससे कि शुगर भी कम हो सकती है। उसको बदलने में, मोटापा कम करने में परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। परिवार अगर उस मरीज को, उस आदमी को लगातार मोटिवेट करेगा, लगातार उसको प्रोत्साहन देगा और उसके साथ खड़ा होगा, तो उसको वजन करने में, कम करने में आसानी होगी। उसको नियमित वॉक पे ले जाना, उसको खाना कम तला होना या हेल्दी खाना, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां या फल या सलाद, इस तरह के खाने में ज्यादा जोर दें। इसमें पूरा परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। इसी के साथ उसको टाइम से दवाइयां देना बहुत जरूरी है, जिसमें कि परिवार से। आज हम बात करेंगे कि अगली पीढ़ी को डायबिटीज होने से कैसे बचाया जा सकता है। डायबिटीज एक जेनेटिक बीमारी भी है, लेकिन सिर्फ जेनेटिक ना होने के बाद सिवाय उसमें पर्यावरण फैक्टर्स का बहुत फर्क पड़ता है। इसमें खासकर टाइप 2 डायबिटीज होती है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है लाइफस्टाइल या जीवन शैली का। जैसे कि जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं या जिनका ज्यादा चलना फिरना नहीं होता, या जो लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, जैसे आलू, चावल, इस तरह की डाइट ज्यादा लेते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का या फैमिली से, अपने माता पिता से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बजाय उनके जो कि वॉक करते हैं, जो कि बैठे नहीं रहते दिन भर और जो कि खाना हेल्दी खाते हैं। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज में आपातकालीन स्थितियां क्या हो सकती हैं और उनसे कैसे निपटना चाहिए। डायबिटीज में कुछ लोग इंसुलिन पे होते हैं और इंसुलिन बहुत कम या बहुत ज्यादा लग जाने पे कई बार आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शरीर में शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको मरीज को घबराहट, पसीने, बेचैनी, कंपन, ये सब आंखों के आगे देगा, ये सब लक्षण होते हैं। तो जैसे ही अगर किसी को, सब शुगर वालों को ये लक्षण पता होने चाहिए, और अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो तुरंत कुछ मीठा या कुछ मिठाई का पीस वगैरह खा लेना चाहिए। उसमें उस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि मरीज में शुगर है तो मीठा नहीं खाना है,
15 से 20 ग्राम मीठा तुरंत खाना चाहिए, ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। अगर 70 से नीचे है ब्लड शुगर तो 15 मिनट बाद फिर मीठा थोड़ा बहुत खाना चाहिए, जब तक शुगर 70 या 100 के ऊपर।